चाचा, आपका उतरा हुआ चेहरा देखकर लगता तो नहीं कि आप किसी वीर पुरुष की संतान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मां कहीं और जाके भतीजे नहीं। ये कैसी अग्नि परीक्षा है माँ मेरी? ये दिन दिखाने से पहले मुझे इस धरती से उठा क्यों नहीं लिया माँ? उठा क्यों नहीं लिया? चाचा चाचा, हमको तलवार चलाना सिखा दोगे? चाचा चाचा, गुस्सा शांत हुई मलखे की, मलखे ने जब ले ली जान, जान चली गई जब इंदल की, होश में तब आया मलखान, पश्चाताप हुआ मलखे को, मैंने ये क्या किया भगवान। आंचल फैला कर माता ने इंदल का सिर लिया बचा है, रणचंडी क्या चाह रही है कोई जान सका है ना, माँ की महिमा माही जाने कैसा खेल रही दिखलाए। आल्हा उदल सन्न रह गए धरती पड़ा इंदल सी रात, जैसे ही बलि चढ़ी इंदल की, माँ की आंखें हो गई लाल, माँ की आंखें हो गई लाल। रौद्र रूप माँ का देखा तो सबको शंका गई समाज, बलि चढ़ी या खून हो गया समझ किसी के आया ना, मलखे को एहसास हो गया अब मेरी जान बचेगी ना। जगदम्बे के क्रोध से बचने कोई ना कर सका उपाय, मलखे के तो होश उड़े थे वो तो गया सना का खाए, फिर भी अपनी जान बचाने मलखे ने सोची एक बात, होनी होकर ही रहती है अनहोनी तो होती ना, हाथ जोड़ कर मलखे बोला। माँ, जिन हाथों ने बचपन में इंदल को चलना सिखाया, आज इन्हीं हाथों ने इंदल का सर उतार दिया। लानत है ऐसी वीरता पर। मां, रहम करो इस बालक पर, वरना आत्मग्लानी से हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मां, माता तो माता होती, माँ से बड़ा है कौन, माता ही जीवन लेगी तो माता कहेगा कौन। जागो है आदि भवानी, जागो है माँ।
जितना चाहे न चाले, तेरे हाथ में इस सेवक की लाज है आज बचा ले। की कुल देवी, यदि आपकी शर्त पूरी हो गई हो तो अब देर किस बात की है। अपने भक्तों का कल्याण कीजिए मां, उद्धार कीजिए। इंदल, मैं तुम्हारी मातृभक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम मुझे सच्चे हृदय से जब भी याद करोगे मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रकट हो जाऊंगी। मलखान, अफसोस मत करो, मैं तुम्हारी हिम्मत और स्वाभिमान की प्रशंसा करती हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी शक्ति कभी कम नहीं होगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे, दहशत में रहेंगे।
भूदल, इंदल के सामने तुम्हारी तलवार तुम्हारे हाथ से छूट गई। उदल, अपनी वीरता पर संदेह मत करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, दुश्मन के सामने तुम्हारी तलवार कभी नहीं छूटेगी। आल्हा, हमने तुम्हारे पुत्र को नया जीवन दान दिया है, क्या तुम प्रसन्न नहीं? प्रसन्न तो बहुत हूं देवी माँ, लेकिन 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 क्या आल्हा? हे अखिल ब्रह्मांड की आदि शक्ति माँ भवानी, आप तो इस संसार के सभी प्राणियों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। आपकी इच्छा के बिना इस संसार का पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन 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 कहना क्या चाहते हो आल्हा? हे माँ, इस संसार का प्रत्येक मनुष्य अपनी कार्य सिद्धि के लिए आपकी कृपा पाना चाहता है, लेकिन यदि आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा लेंगी तो फिर साधारण मनुष्य तो आपकी कृपा प्राप्त कर ही नहीं सकता। ऐसे में आपके भक्तों का कल्याण कैसे होगा माँ, कैसे होगा? आल्हा, तुम्हारी मानव कल्याण की बातें सुनकर मैं अति प्रसन्न हूँ। स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। हे कुलदेवी, हे माँ शारदा भवानी, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं तो मुझे बस यही वरदान दीजिए कि आज के बाद किसी भी कार्य सिद्धि के लिए किसी भी जीव की बलि ना चढ़े। हे जगत जननी, हे ममता मई मां, इस संसार के सभी जीव और मनुष्य आपकी कृपा से ही जीवन प्राप्त करते हैं, और ऐसे में यदि आप ही अपने बच्चों की बलि लेंगी तो मां की ममता का क्या होगा? मां, मां की ममता का क्या होगा? अपने स्वार्थ के लिए किसी मासूम प्राणी की जान लेना क्या उचित है मां? अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे बच्चों की जान लेना क्या कुर्बानी है मां? जवाब दीजिए मां, जवाब दीजिए। और यदि आप बलि लेना ही चाहती हैं तो अपने भक्तों को ऐसी प्रेरणा दीजिए कि लोग अपने दुर्व्यसनों की बलि चढ़ाएं, अपने अहंकार रूपी पशु की बलि चढ़ाएं, बुरे कर्मों की कुर्बानी दें। मां, अगर आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो बस यही वरदान दीजिए। ऐसी बातें सुन आल्हा की, देवी गई सना का खाए। भारी सोच किया माता ने, माता से कुछ कहा न जाए। रात अंधेरी बीत न जाए, सबको चिंता रही सताए। माता तो जीवन देती है, माता जीवन लेती ना। पूत कपूत तो हो सकता है, माता कुमाता होती ना। किसी जीव की बलि चढ़ाना उचित कभी हो सकता ना। कुछ लोगों ने स्वार्थ के खातिर बलि प्रथा को दिया चलाए। खूब बेचारा जगदम्बे ने फिर आल्हा से कहा सुनाए, फिर आल्हा से कहा सुनाए। मैं तो अपने सच्चे भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ और संकट पड़ने पर उनकी सहायता करती हूँ। आल्हा, तुम्हारे हृदय में मासूम जीवों के प्रति दया भाव देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जो मनुष्य मुझे सच्ची श्रद्धा और विश्वास से याद करते हुए अपना कार्य ईमानदारी से करेगा, मैं उसके सारे कार्य
सिद्ध कर दूंगी। उसे शक्ति और सफलता का वरदान दूंगी। और जो मनुष्य अपने कार्य सिद्धि के लिए मासूम जीवों की बलि चढ़ाएगा, वह मेरी कृपा से हमेशा हमेशा के लिए वंचित रह जाएगा और अपने जीवन में घोर कष्ट पाएगा। आल्हा, अब तो खुश हो ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आल्हा, मन में और कोई बात हो तो कहो। माँ, आपने मुझे अमर किया और मेरे ही बेटे की बलि लेना स्वीकार कर लिया, इसका क्या रहस्य है माँ? आल्हा, मेरी ही इच्छा से इस सृष्टि का समय चक्र चलता है और मेरी आज्ञा के बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन इंदल की बलि लेने का रहस्य अभी खोलना उचित नहीं, इसके लिए समय का इंतजार करो। जो आज्ञा माँ। मेरे भक्तों को ज्ञान देने वाले अमर गुरु, पथरीगढ़ में अब मेरी शक्ति नहीं, तुम्हारे मंत्र चलेंगे। तुम अपने मंत्रों से पथरीगढ़ में कहर मचा सकते हो। इतना कह के माई शारदा वहां से हो गई अंतर ध्यान। माँ की महिमा माही जाने, जान नहीं सकता इंसान। सच्ची घटना तुम्हें सुनाऊं, आगे का अब सुनो बखान। चौकी उठ गई जगदम्बे की, गुरु ने अपनी दी बैठा है। भारी तांत्रिक गुरु अमरा था, चारों ओर थी उसकी धाक। आशीर्वाद मिला देवी का और हो गया खतरनाक। पथरीगढ़ में कहर मचाने एक छोटा सा किया उपाय। दो भूतों और एक डायन को मंत्र मार कर लिया जगाए, मंत्र मार कर लिया जगाए। रात दानर देने वाले दुष्ट भूतों, जाओ पथरीगढ़ में अपनी दुष्टता का ऐसा दृश्य दिखाओ कि नगर में भगदड़ मच जाए, और ज्वाला सिंह को ऐसा दबोचो कि उसका दम घुस हो जाए। जाओ दुष्टों, जाओ। भूत प्रेत और काली डायन पहुंच गए पथरीगढ़ में, मचा रहे हैं अपना तांडव पथरीगढ़ के घर घर में। भाग रहे सब जान बचा के, मौत नाचती पग पग में। भूत घुस गए घर के अंदर, छोटे बच्चे रहे उठाए। एक पंडित जी पूजा करते, ध्यान लगा था प्रभु की ओर। पंडित जी को भूत ने मारा, पंडित भग गया दांत निपोर। मचा है तांडव पथरीगढ़ में, दहशत फैली चारों ओर, दहशत फैली चारों ओर। ज्वाला सिंह तो नाश नहीं जाए।
इनको छोड़ो इसी हाल में चलिए अब रणभूमि की ओर। हाल वहाँ का तुम्हें सुनाऊं जहाँ चलाना किसी का जोर, जहाँ दिखाया जगदम्बे ने अपना तांडव चारों ओर। रात कट गई हुआ सवेरा, सूर्य चल रहा अपनी चाल, गुरु के संग में चारों योद्धा रणभूमि पहुंचे तत्काल। लाखों सेना वहां खड़ी थी, ना कोई हल्ला ना कोई शोर, सारे खड़े थे पत्थर बनकर, सन्नाटा था चारों ओर। ध्यान लगाया गुरु अमरा ने, शारद माता हुई सहाय, शारद माता हुई सहाय। सारे योद्धा जिंदा हो गए, खुशी मनाते मन मुस्कान, जिंदा हो गया ताला सैयद जिसकी शक्ति कही न जाए। देखा जीवित जब चाचा को, खुश हो गए बना फल राज। चाचा श्री आप ठीक तो हैं ना? हाँ महाराज, हम तो एकदम ठीक हैं। अब तो बस उस श्याम सिंह को ठिकाने लगाना है जिसने हमें ठोक कर रख दिया था। महाराज आप फिर से युद्ध का ऐलान कीजिए, हम पथरीगढ़ में तांडव मचा देंगे। पूरी सेना जोश में आ गई सुन के सैयद की ललकार, पथरीगढ़ को धूल मिलाने सबने उठा लिए हथियार। आल्हा ने ऐलान कर दिया, बहादुरों जिस संकट का सामना हम कर रहे थे वो संकट अब माँ भवानी ने खत्म कर दिया है, और अब ज्वाला सिंह को खत्म करने के लिए हम एक बार फिर युद्ध का ऐलान करते हैं। जाओ और दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ो और पथरीगढ़ की ईंट से ईंट बजा दो। जाओ बहादुरों जाओ। बिगुल बज गया रणभूमि में, अंबर गूंज रही झंकार, गूंज गूंज गई पथरीगढ़ में, जा पहुंची ज्वाला के द्वार। श्याम सिंह को मार गिराने ताला ने मारी ललकार। श्याम सिंह कमीने बाप की कायर औलाद, अगर दम है तो बाहर निकल। खुदा की कसम अगर एक ही झटके में मातम न मचा दिया तो मेरा नाम ताला सैयद नहीं। देवी की सहायता से लड़ने वाले श्याम सिंह हाथों में चूड़ियां पहन लिया है क्या? श्याम सिंह, श्याम सिंह तू तो कह रहा था माँ भवानी ने पूरी सेना के साथ साथ ताला सैयद को भी पत्थर बना दिया है, तो फिर ये दढ़ियल गुर्रा कैसे रहा है? बोल। पता नहीं क्या हुआ पिताश्री। अगर तेरे बाजगों में दम है तो कमीने बाहर निकल। खुदा की कसम अगर तेरे रंगरूट बाप को खून के आंसू नहीं रुलाया तो मैं बनारस का सरदार ताला सैयद नहीं। लगता है कोई अनहोनी हुई है, वरना स्वयं माँ भवानी को मैंने रणभूमि में तांडव मचाते देखा है, सबको पत्थर बनाते हुए देखा है पिताजी। लेकिन आप चिंता ना करें पिताजी, मैं अभी उस दरियल को हमेशा हमेशा के लिए दफन करके आता हूँ। जाओ श्याम सिंह जाओ,
इस दढ़ियल की वो चुटाई करो, वो कुटाई करो, कि ये मुल्ला सपने में भी गुर्राने की गलती ना करे। चला श्याम सिंह युद्ध भूमि में अपनी ली तलवार उठा, हर ललकारा श्याम सिंह ने, मुल्ला तेरा बुरा हो जाए, एक एक को मसक के धर दूं सबको धूल मिला। मेरे बाप को रंगरूट कहने वाले चिड्डे, पहले तू ये बता, तुझे और तेरी सेना को जिंदा किसने किया है? माँ कसम, जिसने भी माँ भवानी की शक्ति को खत्म किया है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। खत्म कर देगा? हमारे गुरु बाबा को खत्म कर देगा? कायर, गुरु बाबा को खत्म करने की बात कहकर तूने हमारी गुरु भक्ति को ललकारा है। गुरुदेव की सौगंध, इस अपराध के लिए हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे गुरु को बिना ठठाई नहीं छोड़ूंगा। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चल आजा चिड्डे। जैसे ही चिड्डा शब्द सुना तो भुन्न हो गया भाई जान, दाव खा गया ताला सैयद, गुरु का सह न सका अपमान, खींच लिया तलवार म्यान से, अमर गुरु का धर के ध्यान। काला सैयद के योद्धों ने अपनी ली तलवार निकाल, गिरा श्याम से चारों ओर से, माता माता रहा पुकार, माता माता रहा पुकार। माँ प्रकट हो, प्रकट हो माँ प्रकट हो, अरे जब मैं मर जाऊंगा तब आएगी क्या? जितना चिल्लाना हो चिल्ला ले श्याम सिंह, तेरी सहायता के लिए अब यहाँ कोई नहीं आएगा। हमारे गुरु को ठटाने चला था। नहीं, मेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता। क्या हुआ पिताश्री? श्याम सिंह, तू जिंदा है ना मेरे बेटे? हाँ पिताश्री, मैं जिंदा हूँ। माँ भवानी की बड़ी कृपा है हम पर। माँ भवानी की कृपा हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर है पिताश्री। हमारे गुप्तचरों का कहना है कोई दाढ़ी वाला बाबा हमारे दुश्मन के सैनिकों को जिंदा कर रहा है। इतना सुन के ज्वाला सिंह के मन में चिंता गई समाज, जिस देवी का किया भरोसा, कैसा रंग रही दिखलाए, पहुंच गया मैहर के मंदिर और माता को रहा मनाए। आपने जिन सैनिकों को पत्थर बनाया था, उन सैनिकों को कोई गुरु घंटाल जिंदा कर रहा है। माँ, उस गुरु घंटाल की शक्ति को खत्म कर। माँ, खत्म कर। ज्वाला सिंह, मेरे जादू को खत्म करने वाला वह कोई साधारण इंसान नहीं, आल्हा के कुल गुरु और दिव्य शक्तियों के स्वामी गुरु अमरा हैं। उनके शक्तियों के सामने मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ज्वाला सिंह, अभी भी समय है, रानी मछलों को वापस कर दे, वरना तुझे गधा बना के सूखे खेत में जुताई करवा देंगे। क्या, उस गुरु घंटाल के डर से रानी मछला को वापस कर दूं, अपनी हसीना को लौटा दूं? कभी नहीं। ज्वाला सिंह गधा बनकर सूखे खेत की जुताई कर सकता है, लेकिन रानी मछला की रिहाई नहीं कर सकता। और रहा सवाल उस गुरु घंटाल का, तो उस गुरु का मैं ऐसा घंटा बजाऊंगा कि वो आखिर रो न बढ़ाई। ऐसी धमकी दे ज्वाला सिंह, अपने बंगले पहुंचा जाए, हर ललकारा सरदारों को, योद्धा सुन लो ध्यान लगाए।
युद्ध में दुश्मनों को पछाड़ने वाले घोड़ा पछाड़ पहलवानों, उठो, समय आ गया है। आल्हा उदल और उनकी तमाम सेना पर गाज बनकर ऐसा गिरो, ऐसा रौंदो कि दुश्मनों की मट्टी पलीद हो जाए। सरकार, युद्ध करने का एक मौका हमें भी दीजिए। हम अपनी भुजाओं की ताकत से दुश्मन को मसल के धर देंगे। वाह वाह मेरे हट्टे कट्टे पट्टो, जाओ दुश्मनों को उनके तंबू में घुसकर ऐसा मारो, ऐसा कूटो कि उनकी कब्ज वही बन जाए। भैरव सिंह, कितनी सेना है तुम्हारे पिंजरे में? 84,056। बहुत खूब भैरव सिंह, जाओ और रणभूमि में ऐसा दहाड़ो कि दुश्मनों की सेना भयभीत होकर भागती न जा रहे, और फिर ऐसा तांडव मचाओ कि दुश्मन के प्राण पखेरु उड़ जाए। तो चिंता जन कर राजा, ते जिसने कहा था उसने छोही। ये भैरव सिंह बड़ा भयानक हट्टा कट्टा जैसे सांड, अगर कहीं गुस्सा जाए तो दाव मारता घोड़ा पछाड़, रणभूमि में जाकर मारा बड़ी जोर से एक दहाड़। भैरव सिंह चिल्लाया ऐसे जैसे बिजली गिरे पहाड़, दुश्मन भागे जान बचा के रण में मच गई हाहाकार। आल्हा उदल सोच रहे थे कैसे इससे पाए पार, ताव दे रहा है भैरव सिंह। अरे कमीनो, तुम्हारे पिंजरे में कोई योद्धा है या सब ने चूड़ियां पहन रखी है? अरे कोई तो सामने आओ। माँ कसम, मैं तो समझा था यहाँ मर्दों से पाला पड़ेगा, बरसों बाद दो दो हाथ करने का मौका मिलेगा, लेकिन माँ कसम साले सब के सब यहाँ कनेक्शन कटाए बैठे हैं। हे अमराज, मैं भी यहाँ कहाँ आ गया लड़ैया में दारू खोने। ऐसी व्यंग भरी बातें सुन ताला सैयद गया भन्ना, खून खोल गया है ताला का, मुट्ठी मसल मसल रह जाए, सोच रहा है मन ही मन में। बहुत देर से देख रहा हूँ इसका तमाशा। बेटा नूरदीन उठ, समय आ गया तुझे अपनी पीड़ता दिखाने का, जा इसके जवान खींच ले। और बेटा नूरुद्दीन, इस पहलवान की वो धुनाई करना कि इसकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। जा बेटा नूरा, दिखा अपना कमाल और कर दे इसे हलाल। ऐसी बातें सुन अब्बा की नूरदीन को आ गया ताव, अच्छा मौका दिया खुदा ने, आज चलूंगा ऐसा दाव, मसक के मुंडी हाथ में लूंगा, तोड़ के धर दूंगा फिर पाँव। 100,000 सेना के संग में नूरदीन रणभूमि चला, उतर गया फिर वो घोड़े से, भैरों से जा उलझा। गधे की तरह रेखने वाले भैरव सिंह, तुझे अपनी ताकत पे बहुत घमंड है ना, तो मुझसे मुकाबला कर। क्यों, क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? तू क्यों मरने आया है नूरदीन? मैं तो तेरे आकाओं को ललकारा था जो तंबू में छिपे बैठे हैं। साले खुद तो मुकाबला कर नहीं सकते और तुझे भेज दिया मरने के लिए। ऐसी बातें सुन भैरों की नूरदीन को आ गया ताव, उचक के बैठा सिर के ऊपर और फसाया अपना दाव, लगा दबाने सिर भैरों का, बड़ी जोर से दिया दबाव।
सिर के दबने से भैरों से भुन्ना कस भुन्ना गया। मौका देखा नूरुद्दीन ने दाव दूसरा चला दिया। जीभ पकड़ के लगा खींचने भैरों शंख से आए गया। हे अमराज कहाँ मैं फंस गया, अब मेरी जान बचेगी ना। नूर हिलाया खूब जोर से नूरुद्दीन को दिया गिरा, नूरुद्दीन को दिया गिरा। क्या हुआ? दर्द हुआ। अरे इसमें डरने की क्या बात है, कांडो तेल लगाओ और दर्द से मुक्ति पाओ। सच्ची मुच्छी दर्द का दमदार दुश्मन तांडव तेल। 5 मिनट लगाइए और दर्द से मुक्ति पाइए तांडव तेल। क्या हुआ नूरा, हाँप क्यों रहा है? क्या हुआ नूरा, तू बोलता क्यों नहीं? समझ गया नूरा, युद्ध भूमि से भागने से पहले तू वहीं मर क्यों नहीं गया? लानत है तुझे तेरी जिंदगी पर। या अल्लाह, ये दिन दिखाने के पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? तेरे बाजुओं पर ये खून, बोल नूरा, बोल बोल, किस दुष्ट ने तुझ पर प्रहार किया है? शारदा भवानी की कसम, जब तक हम उस दुष्ट की भुजा नहीं उखाड़ देंगे, हम उस रणभूमि से वापस नहीं आएंगे। बोल नूरा बोल, उस दुष्ट का नाम क्या है? भैरव सिंह। भैरव सिंह, भैरव सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं चाचा सिंह, आप नहीं जाएंगे। प्रतिज्ञा हमने की है तो मां कसम भुजा भी हम ही उखाड़ेंगे। ये है योद्धा आल्हा पक्ष का, मकरंदी है इसका नाम। नूरुद्दीन का खून देख के खड़े हो गए रोम तमाम। चल पड़ा योद्धा रणभूमि में, शत्रु का करने काम तमाम। भैरव सिंह, आओ जमुरे, मैं जानता था मकरा तू जरूर आएगा। मैं जानता था मकरा
कि नूरदीन का बहता हुआ खून तू नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था, नहीं तो। मगरा, तुझे पटक पटक के मार मार के पुराना बदला चुकाने का जी चाहता है रे। भैरव सिंह, तू मुझे पटक के मारेगा? मैं भी प्रतिज्ञा करके आया हूं, जब तक मैं तेरी दोनों भुजाएं उखाड़ नहीं डालूंगा, मां कसम इस रणभूमि से वापस नहीं जाऊंगा। बात बात में बात बढ़ गई, बातों में बढ़ गई तकरार, बात बात में गुस्सा बढ़ गई, गुस्से से खिंच गई तलवार, दोनों हो गए जान के प्यासे, एक दूजे पर करें प्रहार। भैरव ने तलवार घुमाई, मकरंद उसको लिया बचा, खींच के मारी एक लात तो भैरव सिंह गया चकराए, लात खाए के फिर उठ बैठा, बड़ा बेशरम बड़ा गरियार। मकरंद ने तलवार फेंक के भैरव सिंह को दिया ललकार, दोनों योद्धा फिर से भिड़ गए, लातों से कर रहे प्रहार, लातों से कर रहे प्रहार। मकरा, तू मेरे सेव सनिचर के वार से अब नहीं बच सकता। भैरव सिंह, तू जितने सेल सनिचर चलाना चाहे चला ले, लेकिन आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैरव सिंह मारा गया? आप चिंता ना करें महाराज, हम आला उदल को तम्बाकू की तरह मसल के रख देंगे। महाराज, मैं और मेरी 52,000 सेना दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। आप चिंता ना करें महाराज, हम दुश्मन की सेना को जूझ के रख देंगे। नहीं, आप में से कोई नहीं जाएगा। दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाने हम स्वयं जाएंगे। ज्वाला सिंह, तेरे पास अभी भी समय है, रानी मछला को वापस कर दे, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तेरी इस नौटंकी में न तंबू रहेगा, न तख्ता, न तंबूरा बजेगा, न तबला, बस एक ही आवाज सुनाई देगी,
मोटा मलून था। अच्छा हुआ पहलवान जो तू आ गया। हमारी मंडली में एक नचैया की कमी थी जो तूने पूरी कर दी। बोल कितना भाड़ा लेगा? तेरा भाड़ा गया भाड़ में कमीने। राजा की आड़ में छाड़ काटता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे बिना नचाए नहीं छोड़ूंगा। बोल भाड़ा कितना लेगा? कमीने, मलखान सिंह को भाड़े का टट्टू समझ रखा है जो भाड़ा देगा? पहले मेरे प्रहार को सहले। जिले बने मलू। जी, क्या आवश्यकता थी मेरे रहते हुए आपको युद्ध भूमि में आने की? ज्वाला सिंह, हम तेरा मीटर उखाड़ देंगे। पिताजी, किस मायके लाल ने मेरे पिता को ललकारने की हिम्मत की है? कसम भवानी की, अगर एक एक को इस पथरीगढ़ में गाड़ नहीं दिया तो मैं ज्वाला सिंह की औलाद नहीं। जब ललकारा श्याम सिंह ने सारे सैनिक गए घबराए, कुछ की कछनी ढीली पड़ गई, भाग गए कुछ पूछ दबाए, लेकिन नहीं भगा लाखन सिंह जो था आला का मेहमान। ये लाखन था भारी योद्धा, इसकी अपनी थी एक शान, सुन के बातें श्याम सिंह की लाखन ने समझा अपमान। ठान लिया फिर लाखन सिंह ने, इसकी मैं ले लूंगा जान। हंसी हंस रहा है लाखन सिंह। पथरीगढ़ में गाड़ देगा। समझ रखा है क्या? है जो किसे भी कहीं भी कैसे भी गाड़ देगा। कमीने बाप की कायर औलाद, तुझे तो पथरीगढ़ में मैं गाड़ूंगा। लाखन, तुम नहीं जाओगे। नहीं, तुम हमारे मेहमान हो लाखन, तुम युद्ध नहीं करोगे। लाखन भाई, ये माँ भवानी की आड़ में बजने वाला ढपोल संक है, कुछ नहीं कर पाएगा। इस दुष्ट ने आप लोगों को ललकारा है उदल, और जब तक मैं इस कमीने को कूट नहीं डालूंगा, मां कसम चैन से नहीं बैठूंगा। तुम युद्ध नहीं करोगे लाखन। नहीं, आखिर तुम मानते क्यों नहीं लाखन? तुम नहीं जाओगे। महाराज, आज मैं आपकी कोई आज्ञा नहीं मानूंगा। मां कसम, जब तक इस ढपोल संख को फोड़कर इसकी पंजीरी नहीं बना दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। झटका मार चला है लाखन, युद्ध भूमि में पहुंचा जाए। युद्ध शुरू हो गया दोनों में, दोनों शक्ति रहे अजमाए। एक धुरंधर है आल्हा का, एक ज्वाला का पुत्र कहा।
एक एक को धूल चटा दे, कोई किसी से कम है ना। बड़ा लड़ैया ये लाखन था, जिसकी मार सही ना जाए। भिड़ गया लाखन श्याम सिंह से, जान की बाजी दिया लगाए। हाला उदल सभी खड़े थे, मन में बहुत रहे पछता। ना जाने आगे क्या होगा, सबको चिंता रही सताए, सबको चिंता रही सताए। पथरीगढ़ में गाड़ देगा। दोनों ने तलवार उठा ली, अंबर गूंज रही ललकार। खट 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 तेगा बाजे, छपक छपक चलती तलवार। एक दूजे का खून बहाने, दोनों करते खूब प्रहार। पथरीगढ़ में गाड़ देगा, किसे भी कहीं भी कैसे भी गाड़ देगा। ज्वाला सिंह की औलाद। भाग जा, मैं निहत्थों पे वार नहीं करता। भाग यहां से। करता है, सच ही कहा है। गटर के पानी में गंगा जल मिलाने से वो पवित्र नहीं होता। श्याम सिंह, अब तो मैं तुझे यमलोक पहुंचा कर ही दम लूंगा। बेटे की बलि लेकर उसे जीवन दान दे दिया और यहाँ मेरे बेटे को मौत की नींद सुना दिया। ये धोखा नहीं तो और क्या है? अपने शब्दों के माया जाल में उलझाने वाले ज्वाला सिंह, ये धोखा नहीं, तेरे बुरे कर्मों का फल है।
अभी भी समय है, रानी मछला को वापस कर दे, वरना तू भी मौत की नींद सुला दिया जाएगा। मौत की नींद सुला दिया जाऊंगा मैं? कभी नहीं। तू क्या समझती है, अगर तू मेरी सहायता नहीं करेगी तो और कोई नहीं करेगा। अब देख मैं किसके पास जाता हूँ और ऐसी शक्ति हासिल करके लौटूंगा कि आला उदल के साथ साथ तेरी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि नाग हूँ मैं, काला नाग। सामने आ जाए तो बुर को भी ना छोड़ू, तेरी तो औकात ही क्या है। देवियों और सज्जनों, ज्वाला सिंह अपने बेटे श्याम सिंह की मौत से भारी गुस्से में है और माँ भवानी के सामने घायल नाग की तरह फनफना रहा है। आखिर ज्वाला सिंह माँ भवानी को छोड़कर कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा और कौन सी शक्ति हासिल करेगा, और उस शक्ति से ज्वाला सिंह आल्हा के किस योद्धा के प्राण हर लेगा, रानी मछला का क्या होगा। भाइयों और बहनों, ज्वाला सिंह अपने बेटे श्याम सिंह की मौत का बदला और अपनी कुटाई का बदला किससे लेगा? प्रिय दर्शकों, देवी भक्त आल्हा ज्वाला सिंह का क्या हाल करते हैं और बौना चोर पथरीगढ़ को कैसे लूटता है, इन सब बातों को देखने और जानने के लिए इंतजार कीजिए नटराज वीडियो सीडी के माध्यम से प्रस्तुत मछला हरण का भाग 7। नमस्कार।